हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता श्रीवास्तव अर्जुन किचन ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ गुजिया, जो खाने में मीठा है और टेस्टी भी है। इसे बड़े और छोटे सभी पसंद करते हैं। इसे हमें जब मीठा खाना का मन हो तो आप बना सकती हैं, या किसी भी फेस्टिवल में भी आप बना सकती हैं। खासकर गुजिया हम लोग होली में बनाते हैं। हमने मैदा ले लिया है 400 ग्राम, और इसमें हमने लिया है वनस्पति घी मोयन के लिए, और इसमें लिया है हमने हल्का गुनगुना पानी, जिसे इसके हम आटे लगाएंगे गुजिया के लिए। अब इसमें हम डालते हैं वनस्पति घी, 4 बड़े चम्मच हमने इसमें वनस्पति घी मिक्स किए हैं। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 4 बड़े चम्मच हमने मोयन डाले हैं, मोयन कम है, इसमें हम और 3 चम्मच ऐड करते हैं घी को। मोयन इसमें हमें परफेक्ट चाहिए ताकि हमारे जो गुजिया हैं खस्ता बने। इनको अच्छे से हम मिक्स कर ले रहे हैं। जब ये हमारे आटे बनने लगे तो समझिए इसका मोयन परफेक्ट है। अभी इसमें घी कम है, इसमें फिर मैं मिलाती हूँ 2 से 3 चम्मच। ये टोटल हमें 10 बड़े चम्मच हमने इसमें वनस्पति घी मिला लिए हैं। अब ये इसका परफेक्ट मोयन बन रहा है, देखिए हाथ में अच्छे से ये बन रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा गुनगुना पानी डाल के इसके आटे को हम गूंथते हैं। इसको हमें अच्छे से गूंद लेना है, इसे काफी सॉफ्ट या बहुत ज्यादा सख्त नहीं गूंदना है। आटा को हमने गूंथ लिया है। अब इसको हमने कॉटन के कपड़े से इसको ढक के रख लेते हैं और चलते हैं गुजिया की स्टफिंग बनाने के लिए। कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया है। इसमें 150 ग्राम हमने बारीक वाली सूजी ली है, जिसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हम भूंजेंगे बिना रिफाइंड का। इसको लो फ्लेम पे हमें 3 से 4 मिनट तक इसको भूनना है। खाली इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए, इसमें कलर हमें चेंज नहीं करना है। फ्रेंड्स, 4 मिनट हो गया है, इसको लो फ्लेम पे हम चलाते हुए कंटिन्यू इसको भून लिए हैं, और इसमें अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मेरे सूजी भून गए हैं। अब इसमें मैं अपने मावा को भूनूंगी। अब सेम कढ़ाई में हमने ले लिया 250 ग्राम मावा, इसको भूनूंगी। मावा हमारे अच्छे से मेल्ट हो गए हैं, इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भून लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा नहीं इसे थिक करना है, बस इतना हमें भूनना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। कलर इसका हमने 4 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए भून लिया है लो फ्लेम पे। अब इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसकी बनाएंगे हम गुजिया की स्टफिंग। सूजी में ये मावा हमने डाल दिया है भून करके। अब इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। 5 ले लिए हरी इलायची, जिसे मैं इसमें कूट करके डालूंगी। आप चाहे तो पाउडर भी इसमें यूज कर सकते हैं इसकी स्टफिंग में। अब इसके हम बीज को बाहर निकाल देंगे, इसको छिलके को अलग कर देंगे। अब इसमें हमने ले लिया है 2 बड़े चम्मच से हमने ले लिया किशमिश, जो इसमें हम ऐड करेंगे। इसमें लेंगे सूखा नारियल, जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है, ये 3 बड़े चम्मच है। हमने ले लिया है ये बादाम, बादाम को हमने कद्दूकस कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। आप चाहे तो इस जगह पे बादाम और काजू का भी यूज कर सकती हैं, पिस्ता का। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं। ये हमने छोटी इलायची ली है, जिसे हमने क्रश किया है अभी। चिरंजी ले लिए हमने ये, इसको डालेंगे। गुजिया में बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट देता है। और इसमें हमने ले लिया है हरी सौंफ, इसको भी ऐड कर दे रही हूँ। और इसकी स्टफिंग हम मिक्स करके बना ले रहे हैं। फ्रेंड, हमने चीनी को मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें मीठा डाल सकती हैं।
इसमें हम 5 बड़े चम्मच डालेंगे पिसी हुई चीनी, 3 हो गए, और 2 हम और ऐड करेंगे। और इसको हम स्टफिंग को चेक कर लेंगे, अगर मीठा कम होगा तो फिर इसमें मीठा हम और ऐड कर देंगे। गुजिया की स्टफिंग बनके तैयार हो गई है, और इसमें हमने 5 चम्मच जो पिसे हुए चीनी डाले हैं वो सही हैं, उतना मीठा हमें सही लगा, हम उससे ज़्यादा इसमें ऐड और मीठा नहीं करेंगे। अब चलते हैं गुजिया बनाने की प्रोसेस की ओर। आटा हमारे अच्छे रेस्ट कर लिए हैं, अब इसमें कि हम निकालेंगे लोइया, हमें जितना ज़रूरत है आटा उतना ही निकालेंगे। उसके बाद इसे गीले टॉवल से हम ढक देंगे ताकि आटा हमारा ड्राई ना हो। हम इसको लेते हैं एक चकले पे और इसकी एक बड़ी सी हम रोटी बनाएंगे। और इसको हम बेल देंगे। आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा मैदा भी डस्ट करके बेल सकती हैं। इसको हमने बेल लिया है, अब इसको हम गिलास से इसके गोले गोली पुड़िया निकाल लेंगे। एक बार में हमें 5 से 6 इसकी गुजिया बन के तैयार हो जाएंगे। ये हमने 5 हैं, आप चाहे तो छोटी छोटी लोइया बना के पूड़ियों की तरह भी बेल सकती हैं, लेकिन इस तरह बहुत ही इजीली बन जाते हैं जल्दी जल्दी। और जो इसमें का एक्स्ट्रा आटा है उसे फिर हम आटे में ऐड कर देंगे ताकि आटे हमारे सूखे ना। अब ये आटे को हम मिक्स कर देंगे उसमें। अब इनको हम बेल लेते हैं जितनी बड़ी हमें गुजिया बनानी है। इसे हमें बहुत पतला नहीं बेलना है ताकि गुजिया हमारी फूट जाए। अब हम ले लिए गुजिया का साँचा और उसमें हम लगाते हैं पूड़ियों को। ये पूड़ियाँ हमारी छोटी हो रही हैं, इन्हें और बेलेंगे। बड़ी साइज की हमने पुड़िया को बेल लिया है, अब इसमें डालेंगे स्टफिंग। अब इसके चारों तरफ से हम लगा देंगे पानी जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। इनको हम इस तरह बंद कर देंगे और जो एक्स्ट्रा है चारों तरफ से इसका हम आटे को निकाल देते हैं और इसको अच्छे से हम दबा देते हैं ताकि हमारी गुजिया जो है खुले ना। इसके सांचे थोड़े बड़े हैं, हम छोटे सांचे में भी आपको बना के दिखा देते हैं। एक पूड़ियों को हम बेल के आपको दिखाते हैं। इसे हमें पतला ही बेलना है ताकि हमारी गुजिया जो काफी खस्ता रहे, बहुत ही पतला ना रहे कि वो छानने में ही टूट जाए, लेकिन इसे पतला बनाएंगे, ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो गुजिया खाने में अच्छी नहीं लगती है। अब इसको हम ले लिया ये गुजिया का साँचा, ये इजली मार्केट में मिल जाते हैं। अब इसमें हम भरेंगे स्टफिंग। स्टफिंग आप थोड़ा कम ही भरिएगा ताकि गुजिया फटे ना। बहुत लोग भर देते हैं गुजिया में स्टफिंग और गुजिया किनारे से फटने लगती है। अब इसके किनारे में हम लगाएंगे पानी ताकि गुजिया हमारी अच्छे से सट जाए और इसका स्टफिंग बाहर ना हो। अब इनको हम दूसरे साइड ऐसे एक दूसरे से जोड़ देते हैं और इनके ऊपर हम लगा देते हैं दूसरा टक ईट और इसको चारों तरफ से हम दबा लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा हमारे आटे हैं वो बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारी गुजिया बनके
बिल्कुल तैयार है। इसी प्रोसेस से हमने और भी गुजिया बनाने हैं। देखिए हमने कुछ पूड़ियाँ बेल रखी थी और देखिए कितना इजली आपका गुजिया बन रहा है। स्टफिंग लगाएं, साइड से थोड़ा हम पानी लगा देते हैं। और गुजिया को तुरंत बनाने के बाद छाने ना, इसको 10 से 15 मिनट तक हवा में रख दें ताकि थोड़े ये सख्त हो जाए, तब इन्हें आप छाने, गुजिया को फ्राई करें। ये देखिए हमारी गुजिया कितनी आसानी से बन रही है। इसी तरह हम अपनी सारी गुजियों को बना लेते हैं। सारी गुजिया हमने बना ली है और इसको हमने 10 मिनट तक पंखे की हवा में रखे थे, ये थोड़ी टाइट हो गई है। अब इसको मैं छानने की प्रोसेस में चलती हूँ। कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया है और उसमें डाल दिए हैं ऑयल। तेल अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब इसमें हम डालते हैं अपना एक एक करके गुजिया। हमने एक छान के देख लिया है और तेल अच्छे से हमारे गर्म हो गए हैं। इसको बहुत हाई फ्लेम पे हमें नहीं गर्म करना है, इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसको तलना है गुजिया को। अब हम एक एक करके अपनी जो इसमें जितना स्पेस है उतना हम गुजिया डाल देते हैं। तेल अच्छे से हमारे गर्म हो गए हैं। इसको हम चम्मच की हेल्प से इसको दूसरे साइड भी पलट लेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितनी फूली फूली हमारी गुजिया बनके तैयार है। इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे ताकि हमारी गुजिया अच्छे से पक जाए। हमारी गुजिया अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं रिफाइंड ऑयल से बाहर और सारे इसके जो तेल हैं हम अच्छे से छान लेंगे। इस तरह हम अपना दूसरा बैच भी छान लेते हैं। दूसरा बैच भी हम इसी तरह फ्राई कर रहे हैं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम चलाते हुए इसको पलट पलट के अच्छे से अपने गुजिया को फ्राई कर लेंगे ताकि ये कच्ची ना रहे। और बहुत ही बढ़िया हमारा टेस्टी गुजिया बन के तैयार हो रहा है। फ्रेंड्स हमारे सारे गुजिया बन के तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही टेस्टी और खस्ता बन के तैयार हुए हैं। आप भी अपने फैमिली को बना के खिलाइए, अपने फ्रेंड्स को खिलाइए और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये गुजिया कैसी बन के तैयार हुई है। मैं आपको एक गुजिया तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ये खस्ती गुजिया बन के तैयार हुई है। एकदम सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई है। फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।